तो सबसे पहले तो उन भाई को बुलाएंगे जिन्होंने ये हमारे बजाज चेतक गिरवाई है। अरे आओ आओ महाराज, आ गए तुम। अरे भाई साहब हो क्या गया ये तो बताओ पहले, क्या हो गया? अरे 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 भाई साहब, दिलवा के हमें मरवाओगे क्या? अरे भाई साहब हुआ क्या ये तो बताओ पहले, बजाज चेतक लेकर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कमी निकल गई ऐसी? कमी की पूछ रहे हो? इसके अंदर कमियां ही कमियां हैं भाई। क्या कमी है जैसे बताइए हमको, पहली कमी बताओ, चलो हम भी देखें। पहली कमी ये देखो, दिखाओ दिखाओ। हमारी बीवी ने कह दिया सिलेंडर लेके आने के लिए। ओहो, अब इसके अंदर ये सीट इन बजाज चेतक वालों ने, देख रहे हो इतनी सीट आगे कर, ये तो बहुत गलत चीज है, इसकी वजह से सिलेंडर नहीं आता। चेतक वालों सुन रहे हो, क्यों पिटवा रहे हो तुम दूसरों को? इसकी वजह से सिलेंडर नहीं आया भाई, तो पेटा ये मेरे को पीट रहा है। इसका जो स्पेस जो है इतना कम दे रखा है, इसकी कमी इतनी बड़ी है कि स्पेस नहीं है आगे, ये सारी सीट का कवर ये तो है, कर लेती है। ये तो है भाई, ये तो एक इम्प्रूवमेंट है जो ये चेतक को सही करना पड़ेगा। और दूसरा देखो, हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक सर्वोदय ब्रदर्स पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसके अंदर हम आपको इसकी खामियां ही खामियां बताने वाले हैं। दो तीन महीने में जो हमारे को इसके साथ प्रॉब्लम आई है, पांच खामियां बताने वाले हैं। पांच की जगह हो सकता है हम छह भी कर दें, क्योंकि खामियां हमें ज्यादा लग रही हैं। प्रॉब्लम तुम्हें दिखाएं? हाँ। दूसरी प्रॉब्लम दिखाएं? हाँ, दिखाओ दिखाओ। अरे हाथ मत मोड़ो, इधर आओ, प्रॉब्लम दिखाओ। प्रॉब्लम ये इसका बटन देख रहे हो? तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे चेतक मैंने बनाया है। ये बार देख रहे हो तो दिलवाया तो तुम नहीं था कि चेतक ले लो, तो चेतक उस ले लो। ये सीट कवर थोड़ी था इसके अंदर, तो मुझे थोड़ी पता था कि चेतक वालों ने ही तो दिया है। तो ये तो उनको पकड़ो जाके ना। अब ये देखिए, ये फंस गया, ऐसे निकालना पड़ेगा। चेतक वालों सुन लो, चेतक वालों सुन लो, कर लो सही कुछ कर लो, नहीं तो ये सेल गिरवा देगा तुम्हारी नीचे। अब ये देखिए इसको, दो प्रॉब्लम हो गई, तीसरी गिनवा रहे हैं। ये देखो, ये ऐसा जब मर्जी भिखारियों की तरह यूं खुल जाता है बगैर बटन दबाए। ये तो मैंने भी नोटिस करा है, जब मैंने भी चलाया उसको तो ये अपने आप खुल चलते जाता है। चलते और फिर ये लगता नहीं है, फिर ऐसे ऐसे इसके साथ खेलते रहो, हो जा बंद, वो बंद नहीं होता है। ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारे को, इसका जो हम कई बार चालू कर लेंगे। तीन प्रॉब्लम, और ड्राई मोड पे नहीं इसको, अब हम इसको ड्राई मोड पे लेके आएंगे। आए गया तो, और कई बार हम इसको, ये ड्राई मोड पर आता नहीं है, ये ड्राई मोड पे आता नहीं है, और हम इसको धूप में लेके खड़े रहते हैं। ये ड्राई मोड देख रहे हो? हाँ, ये एक ना बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये इनको एक ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए कि जिसको ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल वाले चाहिए वो ले ले, और जिसको बेसिक चाहिए वो वाला सीन होना चाहिए। अर्बन में ही, अर्बन में ही ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने लगता कि अर्बन में ऐसी एक वो देनी चाहिए कि भाई जिसको अपना रेट्रो डिजाइन चाहिए चाबी वाला। अरे भैया, 2901 रेट्रो डिजाइन होने के बावजूद भी उसके अंदर वो ये ड्राइव मोड से तो ये लेके आना ही पड़ता है ना। अच्छा, खाली ऑन करने के लिए चाबी है उसके अंदर? जब इको मोड तो कम से कम ऑन करने पे ही दे देना चाहिए इनको। जैसे और बाइकों के अंदर है ना, ऑन करते ही इको मोड आता है, वैसा ही इसके अंदर होना चाहिए। इसमें ड्राइव मोड पे पैर डालना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। और सुधार लो इसको, सुधार लो। ये देखिए इसका फर्स्ट सर्विस का नजारा, इतनी बढ़िया सर्विस देता है तुम्हारा बजाज चेतक। मेरा बजाज चेतक थोड़ी है, मैंने थोड़ी खरीदा है। मन तो कर रहा है इस स्कूटी की तरह तुम्हारा मुंह खोल दे। ये सर्विस में, हाँ ये सर्विस ढंग से, हमने पहले भी बताया था इस चीज को पहले। और इसका ये देखिए नंबर प्लेट इतना बाहर, ये टेढ़ा हो गया पैर लगता है। ये तो बहुत ही यूनिवर्सल प्रॉब्लम है इसके अंदर कि इसमें पैर लगता है। दो बार तो मेरा पैर लग गया उसके वजह से ये नंबर प्लेट टेढ़ी हो गई है। ये नंबर प्लेट ना कम से कम इसको यहाँ की जगह यहाँ ऊपर लगा देना चाहिए था, जिससे ये इसके अंदर ही अंदर होता तो कवर रहता। अब ये नीचे लगा देने की वजह से ये गड़बड़ है, ये पैरों में लगता है। और बताओ और क्या प्रॉब्लम है? और बस इसका ब्रेक प्रॉब्लम। अच्छा, इतनी सी प्रॉब्लम ब्रेक में क्या हुआ? अर्बन मॉडल लेने के बाद भी हमको ड्रम ब्रेक मिल रहा है। ये तो गलत है भाई, पहले इसके अंदर शायद डिस्क ब्रेक आती थी, बट कम से कम इतना तो होता है इसके रियर टायर में डिस्क ब्रेक देते। ये तो भाई ये कमी है कि इनको अपने बेसिक से मॉडल के अंदर भी फ्रंट में डिस्क तो जरूर होना चाहिए। और इधर आओ जैसे देखो। अरे बस भाई साहब, आपके मार्के छोड़ोगे? इधर आओ, ये तंबूरा सा ये देखो बचता रहता है। ये क्या लगाया यार ये एक्सेसरीज कैसी लगाई चेतक वालों? अगर आप एक्सेसरीज ये खुद से लगा रहे हो तो ये चीज तो आपको देखनी चाहिए कि ये ना ये इसके साथ ये बजता ही रहता है। थोड़ा गैप इसके हिसाब से दो जिससे ये बजे ना। अब ये इतना बजता रहता है ये इरिटेट करता है बहुत ज्यादा। ये आपकी फिटेड है, ये कंपनी फिटेड वो जो चीज़ें हैं उनकी गलतियाँ बता रहे हैं, ये थर्ड पार्टी नहीं लगवा रखी हमने। तो ये बहुत सारी कमियाँ है, ये पांच कमियाँ हो गई। और बताओ कौन सी प्रॉब्लम है? देखो इसका साइड स्टैंड। साइड स्टैंड में क्या दिक्कत है? इतना बढ़िया सुंदर डिसेंट सा साइड स्टैंड दे रखा है। ये देखिए अब यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी इतनी कम। अच्छा, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है जिसकी वजह से लगाने में ये दिक्कत आती है।
तो आई होप यू गाइस, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इस तरीके की वीडियो लाते रहें, हंसाते रहें और टैग के बारे में बताते रहें। तो अब आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, टाटा, बाय बाय।